शंकर जी की तबीयत खराब थी तो मुझे 5-6 महीने पहले से पता था। मैं लोगों को बताता नहीं था, लेकिन मुझे मालूम था कि इनकी तबीयत ठीक नहीं है, क्योंकि ये रोग किसी को छोड़ता नहीं है। लेकिन इतनी जल्दी ये हो जाएगा ये विश्वास नहीं था। पिछले 2-3 महीने से मैं कोशिश कर रहा था फोन पे पंकज जी से बात करूं, लेकिन उनका फोन नहीं आता था। मैं समझ गया था कि तबीयत बिगड़ रही है। उनकी बेटी नायाब से मैं बात करता रहता था। लोगों ने पंकज दास को खोया है, एक अच्छे गजल सिंगर को खोया है। मैंने तो अपना यार खोया है। हमारी यारी थी, हर चीज पे हम लोग बैठ के डिस्कस करते थे, बातें करते थे। मैं, पंकज और तलत, हम तीनों, हमारी तिकड़ी बड़ी मशहूर थी कि तीनों खूब प्यार से मोहब्बत से रहते हैं, मजे करते हैं, खूब हम लोग कॉन्सर्ट किया करते थे साथ में। मुझे पंकज जी के जाने का बहुत अफसोस है। बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है उनका, जो गजल को घर घर पहुंचाना, आसान करके लोगों तक दिल में बस जाना, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, उसको भुलाया नहीं जा सकेगा। बस भगवान से ये प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शांति दे।